गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित केसरी और आज आपके बीच मैं लाया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और ये आशा करते हैं कि भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है उसकी नौकरी, सेकंड ऑप्शन है उसकी गरिमा एवं मर्यादा, और थर्ड ऑप्शन है छात्रों का विश्वास, और फोर्थ ऑप्शन है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा बी। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो, पहला ऑप्शन है मेधावी और परिश्रमी हो, सेकेंड ऑप्शन अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, थर्ड ऑप्शन सदा जीवन व्यतीत करता हो, और फोर्थ ऑप्शन अपने भविष्य में प्रवीण हो। ये चार ऑप्शन है, आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर है बी ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ज़रा थर्ड आपको दिखते लेके जा रहा हूँ, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से है। पहला ऑप्शन लोकतंत्र मजबूत होता है, दूसरा ऑप्शन अंधविश्वास में कमी आती है, तीसरा ऑप्शन आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों आंसर डी, ये चारों यानी ये सभी आंसर होंगे डी आंसर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किसी प्रकार के व्यवहार करेंगे। पहला अजनबी की तरह, दूसरा उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, तीसरा बहुत गंभीर होकर, चौथा मित्रों की तरह। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षण क्या है। पहला एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर है ए, एक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो। बी ऑप्शन छात्र केंद्रित हो, सी ऑप्शन रोजगार केंद्रित हो, और डी ऑप्शन समाज केंद्रित हो। इसका आंसर है छात्र केंद्रित हो, शिक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शिक्षा छात्र केंद्रित हो, ऑप्शन बी सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। पहला प्रधानाचार्य का, दूसरा शिक्षकों का, तीसरा सरकार का, और चौथा शिक्षाविदों का। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। पहला ऑप्शन उनके प्रधानाचार्य, सेकेंड ऑप्शन उनके शिष्य, थर्ड ऑप्शन समाज के संभ्रांत लोग, और फोर्थ ऑप्शन विशेषज्ञ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उनके शिष्य यानी टीचर जो भी टीच कर रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है गलत पढ़ा है उसका मूल्यांकन करना उसके शिष्य के द्वारा ही उचित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, सेकेंड छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, थर्ड छात्रों को साक्षर बनाना, फोर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है NTA NET में, इसका आंसर है ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन शिक्षा के उद्देश्यों को, सेकेंड ऑप्शन छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, थर्ड ऑप्शन शिक्षण अनुसंधानों को, और फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों। दोस्तों इसके लिए आपको ऑप्शन डी पे टिक करना होगा क्योंकि इसके दो ऑप्शन हैं। पहला शिक्षा के उद्देश्यों को,
और दूसरा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। इसी के साथ 10 क्वेश्चन आज हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, और किसी भी तरह का समस्या हो या किसी प्रकार का त्रुटि हो तो आप स्वतंत्र हैं कमेंट करके हमें जानकारी दे सकते हैं। सर, धन्यवाद।